अनिता सावंत आपका मैं सावंत किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम जो डिश बनाएंगे वो ब्रेकफास्ट की डिश है, लेकिन एक स्ट्रीट फूड भी है जो बहुत टेस्टी होता है और सब लोग इसे चाव से खाते हैं, वो है दाल वड़ा। दाल वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी भिगोई हुई चना दाल, इसे 2 से 3 घंटे तक भिगो के रखिए। 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 लाल मिर्चें, 1 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार और हरा धनिया। सबसे पहले हम इस भिगोई हुई चना दाल को मिक्सर में डाल देंगे और इसे लाल मिर्च और जीरा के साथ बिना पानी के पीस लेंगे। ये दाल हमने पीस ली है, अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज। हरा धनिया, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सर के वड़े बनाकर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हम इसे मीडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये दाल वड़े फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। गर्मा गर्म दाल वड़ा खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए हमारे YouTube पेज पे। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे द सावंत किचन इमेज पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।